हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड वी डिस्कस स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि 11,800 11,900 तक का टारगेट पॉसिबल है निफ्टी में। आज भी अगर आप देखो काफी अच्छा आपको हमें देखने को मिला निफ्टी में। 11,779 तक हाई बना है और 11,756 के आसपास क्लोजिंग हुआ है और अभी भी व्यू बुलिश ही है। 11,900 तक के टारगेट पॉसिबल है। यहाँ से कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है तो काफी अच्छा बाय रहेगा 11,950 11,900 तक के टारगेट्स के लिए। बैंक निफ्टी भी मैंने आपको क्लियरली बताया था 23,000 एंड 23,500 तक के टारगेट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। ये मैंने आपको लास्ट दो तीन वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है। 23,000 टारगेट अचीव हो चुका, 23,500 तक के टारगेट्स भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी इंट्राडे में अगर कोई भी डिप मिलता है तो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा 23,500 तक के टारगेट के लिए। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको REC बाय दिया था, इसमें बाय लेवल ट्रिगर नहीं हुआ तो इसमें हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैंने आपको बजाज फिनसर्व बाय दिया था, इसमें भी बाय लेवल ट्रिगर नहीं हुआ तो इसमें हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया है। मैंने आपको रामको सीमेंट बाय दिया था 757 के ऊपर और ये 769 तक जाके आया। इसमें आपको इंट्राडे में अगर आपने ट्रेड किया तो काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने रामको सीमेंट ट्रेड किया था या नहीं किया था। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स, कल के सेशन के लिए आपको कौन से स्टॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी नेगेटिव लग रहा है। अगर आप देखो इसमें प्योर प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। टाटा स्टील में अगर आप देखो एक फॉल आया था और एक रिट्रेसमेंट हुआ और वापस इसमें फॉल कंटिन्यू हो रहा है। 350 तक के टारगेट पॉसिबल लग रहे हैं टाटा स्टील में। तो एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव लग रहा है। मुझे लगता है इसमें 10-15 रुपये का फॉल आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक होगा MFSL। MFSL का भी स्ट्रक्चर मुझे नेगेटिव लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो एक रेंज में फंसा हुआ है। ये डेली कैंडल्स है, लास्ट का 7 दिन का कैंडल एक रेंज में फंसा है, 20 रुपये की रेंज में है ये और आज एक ब्रेकडाउन कैंडल इसने बनाया है। अगर ये ब्रेक करता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो MFSL भी काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर मुझे नेगेटिव लग रहा है। एंड लास्ट स्टॉक होगा माइंट्री। माइंट्री का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है स्टॉक और मुझे लगता है यहाँ से 1400-1420 तक के लेवल्स इजीली हमें देखने को मिल सकते हैं। सो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन इसमें 1420 तक के टारगेट्स पॉसिबल है माइंट्री में। सो आपको इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी है। पोजिशनली भी काफ़ी अच्छा बाय लग रहा है और इंट्राडे के लिए भी काफ़ी अच्छा बाय लग रहा है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।